हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। साइंस की चैप्टर्स की कंटिन्यूटी में आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उस चैप्टर का नेम, उसका टाइटल आप खुद डिसाइड करेंगे। आप कुछ पिक्चर्स देखिए। फर्स्ट पिक्चर है कि एक बकरी पत्तियां खा रही है, एक शेर मांस खा रहा है किसी जानवर को मारकर, और एक बगुला मछली खा रहा है। इन तीनों पिक्चर्स को देखने के बाद आप सोचिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज। क्या हमने किसी प्लांट की, किसी पौधे की बात की? जो तीन एग्जांपल्स हमने लिए उन तीनों में हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जंतुओं की बात कर रहे हैं, और उनके भी किस पोर्शन की कि वो क्या खा रहे हैं। इट मीन्स आज हम बात करेंगे भोजन की, और भोजन को जंतुओं द्वारा ग्रहण करना मीन्स हाउ एनिमल्स टेक देयर फूड। फाइन, क्लास सिक्स में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स क्या किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, या वो खुद अपनी बॉडी में बना लेते हैं। सोचिए, रिकॉल करिए। यस, यू आर राइट। प्लांट्स को किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। एंड व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस, क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? राइट, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। बट हम एनिमल्स, क्योंकि हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हम या दूसरे एनिमल्स, इंसेक्ट, ये लोग खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना भोजन नहीं बना सकते, तो हमें या तो दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो जो ओनली प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन या हर्बीवोर्स कहते हैं, या हिंदी में हम उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स या दूसरे एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स या मांसाहारी कहते हैं। और हम मनुष्य, हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसी कैटेगरी में आते हैं बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स या सर्वाहारी, जो हर तरह की चीज खा लेते हैं। तो ये जो खा लेना है, भोजन को ग्रहण करना है, टेकिंग द फूड इनसाइड, एंड फूड का क्या होता है बॉडी में जाने के बाद, क्या होता है उस फूड से, हम भोजन से क्या करते हैं? यस, हमें अपनी ग्रोथ के लिए और डेली एक्टिविटीज करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हर समय चलती रहती हैं, वेदर वी आर डूइंग समथिंग और नॉट, लाइक हम ब्रीथ करते रहते हैं, जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटीज जो चलती रहती हैं, इवन वी आर स्लीपिंग, चाहे हम बहुत इनएक्टिव स्टेट में हम कुछ नहीं कर रहे, इवन देन बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में चलती हैं उन्हें चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ऊर्जा की। तो हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले और हमारा शरीर वृद्धि करे। चोट लगी, ठीक हो जाती है, छोटा बच्चा ग्रो हो जाता है हाइट में, वेट में एंड मसल्स में, तो ये सारी चीजों के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फूड से आती है। सो व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, क्यों चाहिए जीवों को भोजन? ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, बिकॉज टू गेन एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड टू ग्रो, वृद्धि करने के लिए और बहुत सारे शारीरिक क्रियाकलाप के लिए। अब जो ये भोजन को लेना है और इसे ऊर्जा में बदलना ताकि ये उपयोग किया जा सके, ये यूटिलाइज हो सके बॉडी में, यानी कि फूड ले लिया और उसके साथ हमारी बॉडी कुछ नहीं कर पा रही, हमारे ऑर्गन्स को वो उसे यूज ही नहीं कर पा रहे, यूज भी करना, फूड को लेना, टेकिंग इन द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं पोषण। और हम बात कर रहे हैं आज जंतुओं में पोषण की, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। फाइन, अब जो हम फूड लेते हैं, चाहे हम प्लांट से ले रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, या हम एनिमल्स से ले रहे हैं, उनमें मेनली, आपने क्लास सिक्स में भी पढ़ा है कि मेनली जो तीन टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एंड प्रोटीन।
कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये मेन तीन टाइप के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी हम फूड खाते हैं, लेते हैं, उनमें ये तीन न्यूट्रिएंट, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, किसी में वसा ज्यादा है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, कोई प्योरली प्रोटीन का है, कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, ये क्या डायरेक्टली हमने लिया और हमारी बॉडी उसे यूज कर पाती है? जैसे हमने लिया और खत्म हो गया, यूज होना शुरू हो गया, एनर्जी बन गई? नो, ऐसा नहीं होता कि हमने इनको फूड को अंदर लिया और वो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इट टेक टाइम, इसमें पूरा प्रोसेस चाहिए, पूरी प्रक्रिया चाहिए। और क्या होता है, आप खुद भी फील कर सकते हैं, जब भी हम कोई चीज़ मुंह में डालते हैं तो हम मुंह में काफ़ी देर तक उसको चबाते हैं, देन हमें ऐसा लगता है वो किसी नली से, किसी पाइप से जा रहा है। हम पेट का हमने नाम सुना है, स्टमक, वहाँ कुछ होता है, कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं तो वहाँ हमें हैवी महसूस होता है, फाइन। और आपने आंतों का नाम सुना होगा, इंटेस्टाइन का नाम सुना होगा। सो ये सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं अंदर, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के लिए? दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ पाचन क्रिया, डाइजेशन। अब आप बोलोगे कि ये न्यूट्रिशन और पोषण और पाचन क्या एक ही बात है? नहीं, पोषण का मतलब है फूड को लेना और उसे यूटिलाइज करना, लेकिन उस यूटिलाइज करने के लिए हमें अंदर एक प्रोसेस की जरूरत होती है जो ये हमारे सारे ऑर्गन, जो अंग मैंने नाम लिए अभी आपके सामने, ये मिल करके परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, इन्हें डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर है, बहुत जटिल है, और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना या इनका सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये जो सिंपल सब्सटेंसेस में ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। सो डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जो फूड का इनटेक है वो प्रोसेस अलग है। आपने फूड लिया, कोई किस तरह से ले रहा है, कोई अपनी बीक से ले रहा है, चोंच से ले रहा है, कोई हाथों से ले रहा है, कोई अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहा है जैसे स्नेक में होता है। सो सबका फूड को अंदर लेने का प्रोसेस भी अलग है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। अब जब अंदर ले लिया तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना, ये एक अलग प्रोसेस है जिसकी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डाइजेशन और पाचन। सो आज हम बात कर रहे हैं, ये सारा जो कंटेंट है वर्कशीट 18 का, जंतुओं में पोषण या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो आज हमने जो बात की कि कौन किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, पाचन प्रक्रिया या डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, एंड व्हाट वी क्या होता है पोषण या न्यूट्रिशन, फाइन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तीन जीवों के नाम लिखिए जो कि पौधे खाते हैं। नेम थ्री एनिमल्स विच टेक प्लांट्स एज अ फूड, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स की कैटेगरी। सो कौन से हैं? बहुत इजी है, आपने बहुत जगह देखा होगा, आप इस बारे में इवन और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो गोट, काउ, बफेलो, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, हिरन, ये सब हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, डैश और वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। Means dash and dash are used for energy and protein is used for the dash of body. So कौन से इन तीनों में से दो न्यूट्रिएंट्स हैं? वसा का नाम तो ले ही लिया, दूसरा है फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों की जरूरत पड़ती है ऊर्जा या एनर्जी के लिए, एंड proteins are required for वृद्धि या ग्रोथ, for the growth of body. क्वेश्चन नंबर थ्री, पाचन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। सो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना
पाचन कहलाता है. ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन. सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्कशीट में भी काफी क्लियर फॉर्म में दी हुई है. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है. व्हाई डू एनिमल्स नीड डाइजेशन. डाइजेशन डाइजेस्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो भोजन के संघटक हैं कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन, ये जटिल पदार्थ हैं. हमारा शरीर इन जटिल पदार्थों को सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनसे ऊर्जा नहीं बना सकता, तो उन्हें सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है. तो ये जटिल का सरल बनना ही पाचन है. आर फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स, इन्हें हम फैट्स कहते हैं, एंड प्रोटीन्स विच आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. And our body cannot utilize these complex substances as it is. जैसे ये हैं, जैसा इनका स्ट्रक्चर है, वैसे हमारी बॉडी इन्हें यूज नहीं कर सकती. It cannot prepare energy from them. So these complex substances are required to be broken down to simple substances. इसलिए that's why we need digestion process. Fine. So आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. अब हम जो ये डाइजेशन से रिलेटेड और फैक्ट्स हैं और नॉलेज है वो अगली वर्कशीट्स और वीडियोस में लेंगे. अनटिल देन इसको रिवाइज करिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स क्लियरली करिए एंड रेगुलरली अपनी वर्कशीट सबमिट करिए. फाइन, सो गुड लक, गुड बाय.